एक ऐसी खबर जो आपको भी हैरान कर देगी। दुबई शहर जिसकी ओर आप हमेशा से आकर्षित रहे हैं, बारिश से तबाह हो गया है। दुबई के आसपास के कई शहर पानी में डूबे हुए हैं। जहां देखो उधर पानी ही पानी नजर आता है। यहां की सड़कें नदियों का रूप ले चुकी हैं। यूएई में 21 साल बाद बाढ़ से भयानक स्थिति बनी हुई है। कई घर पानी में डूब गए हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दुबई के पास शारजा, रस अल खैमा और फुजरा बाढ़ के पानी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। रेगिस्तान के इन शहरों में बाढ़ आ गई है। पिछले 27 सालों में पहली बार इतनी भयानक स्थिति देखी जा सकती है। कई वाहन बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये वो शहर हैं जो भारतीयों के लिए खास आकर्षण रखते हैं। ये शहर अपनी गगनचुंबी इमारतों और अच्छी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये वही अरब शहर अब बाढ़ से घिरे हुए हैं। गर्मी के दिनों में लोग बारिश का इंतजार करते रहते हैं। दुनिया भर के कई देशों में इन दिनों गर्मी पड़ रही है। संयुक्त अरब अमीरात में भी इन दिनों खतरनाक गर्मी पड़ रही है। दुबई की सड़कों पर उस समय हैरतअंगेज नजारा देखने को मिला जब बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बारिश करवाई गई और लोग उसमें भीगते दिखे। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात में इन दिनों पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। यहां तपती गर्मी से निजात पाने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल बारिश करवाई गई। ये बारिश ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के साथ मिलकर ड्रोन टेक्नोलॉजी से करवाई गई। इसमें बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया। कृत्रिम बारिश का आधार क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया है जो काफी महंगी होती है। एक आकलन के मुताबिक एक वर्ग फुट बारिश कराने की लागत करीब 15,000 रुपए आती है। इसके तहत हम वायुमंडल में हेलीकॉप्टर या विमानों के जरिए कुछ रसायन जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस के कणों का छिड़काव करते हैं। ये कण हवा में मौजूद पानी के वाष्प को आकर्षित करके बादल बनाते हैं जिससे बारिश होती है। दुबई ने क्लाउड सीडिंग के लिए नया तरीका अपनाया है। इसके तहत बिजली का करंट देकर बादलों को आवेशित किया जाता है। ये तकनीक परंपरागत विधि के मुताबिक हरित विकल्प मानी जाती है। इसके तहत बादल बनाने के लिए बैटरी संचालित ड्रोन के जरिए विद्युत आवेश का इस्तेमाल कर क्लाउड सीडिंग करते हैं। विमान के जरिए भी ये काम हो सकता है, लेकिन बैटरी चलित ड्रोन अधिक पर्यावरण हितैषी होते हैं। इस तकनीक को विकसित करने का श्रेय यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग को जाता है जो वर्ष 2017 में इस तकनीक पर काम कर रहा है। रासायनिक कणों के छिड़काव, बादल बनाने और फिर बारिश होना, सब कुछ मिनटों का खेल है। आमतौर पर 30 मिनट का समय लगता है। हालांकि बारिश होने की समय अवधि इस बात पर भी निर्भर करती है कि कणों का छिड़काव वायुमंडल की किस सतह में किया गया है। चीन ने वर्ष 2008 में बीजिंग में आयोजित ओलंपिक खेलों के दौरान बारिश की आशंका को दूर करने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया। इसके लिए आसमान में केमिकल युक्त रॉकेट दागा गया ताकि खेल शुरू होने से पहले ही बारिश करा ली जाए ताकि बाद में बारिश न हो। इसके अलावा चीन बड़ी मात्रा में कृत्रिम बारिश करा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में गर्मी के दिनों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। ऐसे में न केवल आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है बल्कि वायु प्रदूषण भी बढ़ जाता है। इस समस्या से राहत दिलाने में कृत्रिम बारिश सहायक हो सकती है। इसी तरह बाढ़ और सूखे की आशंका को खत्म करने में भी इसमें मदद मिल सकती है। कृत्रिम बारिश कराने के लिए पहली बार क्लाउड सीडिंग का काम 1946 में अमेरिका में किया गया। भारत में भी कई राज्यों में कृत्रिम बारिश कराई जा चुकी है। तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 1983, 1984, 1987 और 1993-94 में इस पर काम किया। इसी तरह कर्नाटक सरकार ने 2003-04 में कृत्रिम बारिश कराई। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस पर काम किया। IIT कानपुर में भी क्लाउड सीडिंग पर शोध चल रहा है। इसके लिए HAL विमान उपलब्ध कराता है। कृत्रिम बारिश के भविष्य को लेकर वैज्ञानिकों से लेकर आम लोगों तक की राय बटी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं बाढ़ तो कहीं ज्यादा सूखे से निपटने के लिहाज से कुछ वैज्ञानिक इसे एक हथियार के रूप में देख रहे हैं तो कई वैज्ञानिक इसके दुष्प्रभाव को लेकर आशंकित हैं। दुबई ने क्लाउड सीडिंग के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया है उससे भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में भी उम्मीद जगी है। कृत्रिम बारिश को लेकर शोध अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग करके पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। इससे न केवल वातावरण में विषमता पैदा होगी बल्कि महासागरों का जल अधिक अम्लीय भी हो सकता है।
इसके अलावा ओजोन स्तर में नुकसान, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी होने का खतरा जताया जाता है। सिल्वर एक जहरीला धातु है जो वनस्पतियों और जीवों के लिए नुकसानदायक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुबई को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की ये सजा मिली है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।